Hello friends, in this video, I will be talking about investment constraints. Now, as you know, the term constraint means some limitations. So your client might be constrained by, you know, some factors like liquidity needs zyada hai, tax zyada bharne ko aata hai, or any such constraints which we will be studying in this LOS. So the chart is very important for your exams. फर्स्ट कंस्ट्रेंट इज लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट. लिक्विडिटी एज यू नो के पैसे का ज़रूरत पड़ सकता है आगे जाके. तो लिक्विडिटी नीड्स लाइक रिक्वायरमेंट टू विड्रॉ फंड्स फॉर एक्सपेंसेस लाइक एडुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. आज पैसा डाल तो दिया पोर्टफोलियो में, बट कभी भी विड्रॉ करना पड़ सकता है. अगर ऐसा कुछ लिक्विडिटी नीड्स है, देन इट विल अफेक्ट, डेफिनेटली इट विल अफेक्ट योर पोर्टफोलियो. इफ़ लिक्विडिटी नीड्स आर हाई, then manager must not invest in illiquid options like hedge fund. अगर समझो तुम्हारे पास आज 1 करोड़ है, अच्छा खासा फंड है, तुम हेज फंड में पैसा डाल सकते हो, बट ऐसा है कि भाई कभी भी पैसे का ज़रूरत पड़ सकता है आगे, then you can't invest in hedge fund, real estate वगैरह, because these are illiquid investments. But अगर liquidity needs बहुत ही low है, for example you don't need your money for 10 years, तो बिंदास real estate में डालो, हेज फंड, private equity सब में डाल सकते हो. नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है टाइम होराइजन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म. टाइम होराइजन मीन्स द टेन्योर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. इफ टाइम होराइजन इज लॉन्ग टर्म, देन क्लाइंट कैन एक्सेप्ट मोर रिस्क एंड लेस लिक्विड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. देखो अगर आपका टाइम होराइजन बहुत ही लॉन्ग है, जस्ट लाइक एंडाउमेंट एंड फाउंडेशन वाला वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन था, तो टाइम होराइजन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हो, प्लस आप लेस लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स मतलब कि इन लिक्विड इन्वेस्टमेंट में भी डाल सकते हो, रियल एस्टेट, हेज फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड वगैरह में डाल सकते हो. हावेवर फॉर अ शॉर्ट टर्म होराइजन मतलब कि शॉर्ट टाइम होराइजन में ओनली लिक्विड सिक्योरिटीज़ लाइक फिक्स्ड इनकम, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, US ट्रेजरी वगैरह या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वुड बी सूटेबल. छोटा टाइम होराइजन है तो बेटर गो फॉर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स रादर देन रियल एस्टेट वगैरह. थर्ड कंस्ट्रेंट इज टैक्स कंसर्न्स. इफ द क्लाइंट फॉल्स इन हाई इनकम टैक्स स्लैब, देन टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स कैन बी चोजन लाइक US म्यूनिसिपल बॉन्ड्स. नॉर्मली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आर टैक्स एट अ हायर रेट देन कैपिटल गेन्स ऑन सेल. इसका मतलब क्या है बताया, नॉर्मली बाकी सारे कंट्रीज में इंटरेस्ट और डिविडेंड्स पे ज़्यादा टैक्स लगता है कंपेयर टू कैपिटल गेन्स. तो अगर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड का ज़्यादा इनकम नहीं चाहिए, देन गो फॉर सच स्टॉक्स विच डोंट पे डिविडेंड्स एंड दे गो फॉर ग्रोथ. जैसे कैपिटल अप्रिसिएशन पे ज़्यादा फोकस होता है. ग्रोथ स्टॉक्स क्या करते हैं, दे डोंट पे मच ऑफ डिविडेंड बट उनका कैपिटल अप्रिसिएशन होता रहता है. वैल्यू स्टॉक्स क्या करते हैं, डिविडेंड पे करते रहते हैं और उसका प्राइस इतना इंक्रीज नहीं होता. तो डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब और योर कंट्रीज टैक्स लॉज, यू कैन डिसाइड वेदर टू गो फॉर दिस इन्वेस्टमेंट और दिस इन्वेस्टमेंट. अब ये जो इंटरेस्ट और टैक्स है ना, टैक्स एट अ हायर रेट देन कैपिटल गेन्स, ये इंडिया के लिए प्लीज अप्लाई मत करना. फॉर दोज हु हैव स्टडीड टैक्स फॉर यू नो इंडियन लॉज, उल्टा है यहाँ पर. यहाँ पर कैपिटल गेन पे थोड़ा ज़्यादा लगता है कंपेयर टू डिविडेंड और इंटरेस्ट. बट एनी वे this is you know it's a worldwide based exam, so don't get into details ki hamare country mein ye ho raha hai. Okay. Next regulatory or legal factors. Some investors might be subject to regulations. Example, director of Tata Limited can buy Tata Limited's equity only up to 5% of capital. Agar koi investor aisa hai, samjho main mere hi company mein director hu और मेरे पे शायद रेस्ट्रिक्शन होगा, ये इंडिया में जो सेबी है, अगर उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि द प्रमोटर कैन ओन ओनली 70% ऑफ इक्विटी, तो अगर 100 शेयर्स इशू किया है कोई कंपनी में तो सिर्फ 70 तक ही प्रमोटर रख सकता है, 30 है ना बाकी सारे पब्लिक बाय और सेल करेंगे. तो अगर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है तो उसको IPS में लिख लेना. और पेंशन फंड्स और ट्रस्ट माइट नॉट बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन सम सिक्योरिटीज़. ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट या पेंशन फंड्स होते हैं, शायद उनको कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने को अलाउ ही नहीं किया जाए. और एनी सच रूल, कोई भी लोकल लॉ होता है, यू हैव टू टेक दैट इन टू कंसिडरेशन. एंड द लास्ट कंस्ट्रेंट इज एनी यूनिक सर्कमस्टांसिस.
से एवरी इन्वेस्टर हैज सम स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस, दीज कैन बी रिलीजियस. अब रिलीजियस में क्या आता है, तो नॉट टू इन्वेस्ट इन कैसीनो सिंस इट इज़ अगेंस्ट इस्लामिक लॉ. तो ऐसा कोई इन्वेस्टर होगा हु वॉन्ट्स टू बिलीव इन दीज लॉज एंड ही वॉन्ट इन्वेस्ट इन अ कैसीनो और एनी सच गैम्बलिंग इंडस्ट्रीज. एथिकल प्रेफरेंस क्या होता, तो नॉट टू इन्वेस्ट इन लिकर और टोबैको कंपनीज. अगर उसको ज़्यादा ही एथिक्स का है, लाइक आई वोंट ड्रिंक, आई वोंट स्मोक एंड एक्सेट्रा, सो ही वोंट इन्वेस्ट इन सच कंपनीज. एनवायरमेंटल, नॉट टू इन्वेस्ट इन केमिकल इंडस्ट्रीज, वो लोग ज़्यादा पल्यूट करते हैं पानी वगैरह को, तो डोंट इन्वेस्ट इन सच कंपनीज. तो ये जो भी है आपके क्लाइंट का यूनिक कंस्ट्रेंट्स है, तो ये सब माइंड में रखना, फिर ही उसका पैसा आप आगे इन्वेस्ट करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून टू ईकीड़ा एंड सब्सक्राइब टू ईकीड़ा.